जी राजमान। गुरु लोग प्यारे साथ संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी इस जग में चलण करम बसना, गुरबाणी इस जगत विच कलयुग की पसारी चलने लाया है। ज्ञान का प्रकाश स्रोत है, बहुत वड्डा स्रोत, जिसके नाल हिरदे का भी चानण होता है ते जीवन का मकसद समझ में आता है कि मेरे केड़े कर्म करन योग ने, केड़े कर्म त्यागन योग ने। जब ये समझ पैंदी है फिर गुरु कृपा सदके उस मार्ग पर चलते हुए अपना मनुख जीवन सफल होता है। उस मालिक के दर पर अरदासा बेनतियां जोगनिया आप रोज करनिया ने। वाहेगुरु आप मेहर करके कृपा करके कोई कणी साडे हिरदे विच नाम दी वसाओ, जिसके नाल साडा जीवन जो है सफल हो सके। अरदास दर्शन उप अभिलास पुस्तक डॉक्टर जसवंत सिंह ने की लिखी हुई, उसको आप पढ़ रहे हाँ। यह अध्याय जरा चल रहा है वह है नाम जपण वाले जो आप अभिनंदन करते हाँ, नित अरदास याद करते हाँ, क्योंकि दाना सिद्धा नाम दान ही है। तो जिन्होंने हिरदे घर की कणियां वसिया ने उन्होंने जीवन आपके सफल होया ही है, उन्होंने उन्होंने अब उन्होंने अभिनंदन करने वाले का भी जीवन सफल हो जाना जी। असं सच्चे दिल न करा जुड़िया हुई रूह उस परमात्मा के नाल आप जुड़ के होरों में जोड़ रही हाँ। तो सत्संग जी अच आप स्मृति मंदिर उन्होंने टिका के फिर जो अरदास अभिनंदन करते हाँ, सत्कार करते हाँ, तो उसके प्रथाएं फिर वाहेगुरू का उच्चारण करते हाँ, तो कितने ना कितने ये पावन बाणी ये वाहेगुरू का सिमरन वो भी साढ़े अंदर सहज सुभाव आना शुरू हो जाता है। नाम जपण दियाँ अनेक जो युक्तियां ने विधियां ने युक्तियां ने उसके जो है उसमें आप पढ़ रहे थे। इस तो बाद इन अभ्यासों के नाल नाल परहेज तो पाकी जगी ये दो विचार जरूर ने नाल नाल कि इलाज दवाई सही मिल गई है, पर उसके नाल नाल जेकर परहेज ना किया जाए वो दवाई अपना असर पूरी तरह नहीं दिखाती, निरोग होने की उम्मीद घट रही है। जे नाल नाल इलाज भी सही हो रहा है, दवाई भी सही मिली है, औषधि सही मिल रही है, तो नाल नाल उसके परहेज जिहड़ी चीज़ा उस तकलीफ नूं वधाउंदियां ने उस तो भी परहेज कर रहे हाँ, तो कुदरती तौर पर आप निरोग हो जावे। वैसे दुनिया के वर्तारे में जो जो दिस है सो सो रोगी रोग रहित मेरा सतगुरु ते नाम ही है औखत कह सुन, हर हर नाम औखत मुख देवे, काटे चमकी फंदा मेरा वैद गुरु गोबिंदा। गुरु नु ऐसा वैद मनिया है जो हरी नाम की औषधि साडे मुख विच पा दिंदा है, ते फिर मुख विच पई होई अंदर जावेगी अपना असर दिखावेगी। उसके नाल आपां वी केवल शरीर तक ही बीमार होना नहीं है, आत्मक तलों पक्षों भी मानसिक पक्षों भी जिहड़ियां बीमारियां ने ना वो ज़्यादा घातक ने, ज़्यादा नुकसानदेह ने, उसका सानूं पता ही इलम ही नहीं हुंदा, पता ही नहीं हुंदा। तो जो समझ आती है तो फिर जो आप इसकी औषधि ढूंढते हाँ, जिवें कहा ना गुरबाणी के अंदर होमे दीरक रोग है दारू बेसमा है, कृपा करे जे आपने तो गुर का शब्द कमा है, कहते जो समझ आ गई भी रोग है इस रोग के नाल आप इसकी गिरफ्त में आ गए हाँ, फिर एक है भी होमे वड्डा रोग है पर इसका इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर वैद्य हकीम को नहीं है, केवल गुरु रूपी जिहड़ा वैद है उसके कोल इसकी औषधि है। तो वह सानू अंदरों पहले चानण करवाउंदा है, ज्ञान का प्रकाश करवाउंदा है कि इस रोग की गिरफ्त में आ गए हो, तो इस तो बचण लई फिर की इलाज तो की परहेज चाहिए ने, वो सानू गुरबाणी तो जुगतां मिलदियां ने। परहेज दलाली ते परहेज जमाली के नाम जानते हैं, तंबाकू शराब आदि जिहड़ियां नशीले पदार्थ ने उन्हां दा त्याग करना वैसे भी किया है। तो गुरु साहिबां दे जीवन इतिहास नूं आपां पढ़ लईए ना तो उस विच स्पष्ट है नौवें पातशाह एक थान ते गए ने कहिंदे कि जेकर तुसीं तंबाकू वर्गियां ये नशे वाली चीज़ों का त्याग नहीं करोगे तो परमात्मा का नाम तुहाडे अंदर वसना ही नहीं है, उसनों पहले त्यागना पवेगा तद जाके परमात्मा का नाम तुहाडे अंदर वसना शुरू होगा। इसे तरह एक थान ते गुरु कलगीधर पातशाह गए ने कहिंदे ने अगों तंबाकू का खेत सी उत्थे वह बीजा होया सी ते गुरु पातशाह के घोड़े ने उत्थे खुर नहीं रखिया, पैर नहीं रखिया ते पिछा हो गया,
ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਰਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਤੇ ਨੜੀ ਮਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਭਜਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਆ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਉਧਰੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਸਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਚੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਮਾਲਪੂਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਦੀ ਧੁਆਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਲਕ ਬਾਗੋ ਦੀ ਕੁੰਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅਤੇ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰਸੰਗ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਈ ਨਾ ਕਣਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਉਹ ਵੀ ਭਿੱਗੀ ਹੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਵਾਲੀ ਹੋਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਫਫੂੰਦੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿਅੰਜਨ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਆਏ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਠੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲੀ ਹੋਈ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੱਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਘਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਨ ਮੇਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਆਏ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਸਵਾਲੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਫਫੂੰਦ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸਤੇ ਇਸ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਫਫੂੰਦੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੀ ਇਸਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਕੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੇਟਾਂ ਜੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਆਏ ਪਏ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਦੇ ਪੱਲੂ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਈ ਉਹ ਕੋਡੀ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਭ ਨੇ ਰੱਖ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪੇਟ ਚੜਾ ਆਇਆ ਤਿਲ ਗੁਲ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਿਲ ਗੁਲ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਫੁੱਟੀ ਕੋਟੀ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਤਨੇ 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 ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟਾਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਥਰੂ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਜੋ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤਨਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਤਿਲ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ 20% ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ 50% ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
पर जिस दे कोलों एक होती कोटी है वो भी लिया के समर्पित कर दिंदा है ते गुरु पाशा गोविंद भाव भगत का मुखा वो ते साड़ी भावना वेखदा है वो नहीं वेखदा कि कितनी कीमती चीजें चढ़ाइया ने कितनी श्रद्धा नाल चढ़ाइया ने कितने समर्पित भाव नाल चढ़ाइया ने वो कबूल ते प्रवान हो जांदियां ने फिर इन्हां ने दसना कीता है कि नाल नाल कर्म करता रहे बंदा ते भजन करता रहे ओदे ते नाल दे नाल कमाई डुल जांदी है श्वास श्वास जपण वाली सुख मन समाधि प्राप्त होती है इस समाधि अंदर संत नूं कन्ना विच जो गैप दियां आवाजां उस दरगाह तों ओह सुनाई देण लग पैंदियां ने अनहद नाद भी आपां जिसनूं आखदे हां गुरबाणी दे अंदर ते ओह बजने शुरू हो जांदे ने इतनी उच्ची आत्मक अवस्था उहनां दी बण जांदी है जो स्वास स्वास सिमरन करदे ने इसलिए क्या ना गुरु पाशा पंचम पाशा ने सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरी जिंद वो सारी चिंतावां तो मुक्त हो जाते हैं वो एक तो भरोसा तक लेंगे एक तो क्या भरोसा तेरिया चरणा का और सब टाइम तेरिया उन्होंने उठते बैठते सुनते जागते और रब जी उन्होंने चिंतन विचों किधरे विसरते ही नहीं फिर जरा जुड़ी हुई रूह होंगे ने अरदास ही करते हैं बिसर नाही दातार अपना नाम दो गुण गावान दिन रात नानक जाओ उन्होंने अंदर तक चाओ ही हो उन्होंने पदार्थों के चाओ नहीं ने वो यही कि ये सुख लिया तो मैं 40 दिन पाठ करा मैं ये बुरात पूरी हो जाए ये सौदे बाजिया ने है ना गुरु पातशाह ने नाल कहते सौदे बाजिया ने निष्काम भाव के नाल ते सेवा कर तो इतने काम ही तिसको होत प्राप्त स्वामी गुरबाणी ते हर चीज खुलासा करके दस रही है पर आपा कहते ठीक हाँ आपा ना मनते नहीं हाँ आप अपने हिसाब नाल चलते हैं तो जिन्ना अपने हिसाब नाल चलते हैं उतना भी रब जी तो दूर हो जाने हैं जिन्नी दूरी उतना दुखी जिन्ना करीब का रिश्ता जिन्ना बोला पाओ उतना परमात्मा के नाल एक रूपता जिन्नी सियाणपा उतनी दूरी जितनी दूरी उतना दुख उतनी चिंतावां उतना करता पाओ प्रबल ते उतना ही हर वेले चिंतावां ते संतापां विच बंदा तपदा तपदा इस दुनिया तो प्रवास कर जांदा है इसलिए समझाना कीता है कि श्वास श्वास जपण दे नाल कितनी कैसी अवस्था बनती है ये आवाजा अत सुहावणियां ते मनोहर लगदी है क्यों लगता है जिवें किते आरती हो रही होवे ते अनेकां साज वज रहे होण इस धुनि विच 10 तरह दियां वख-वख आवाजां दा मिश्रण हुंदा है इन्हां विचों दो दो लगभग समश्रोत होण कारण पंज आवाजां प्रतीत हुंदियां हन इसलिए इन्हां नूं पंज शब्द भी आखदे हन जो आरती विच गुरु पातशाह ने कहा ना कैसी आरती होए बखंडना तेरी आरती जिसनूं विश्व तराना किया डॉक्टर रविंद्र नाथ टैगोर ने इस सारे जग दे लई राष्ट्रगान लिखिया ना उन्होंने ते विश्व गान लिखना हुंदा तां ये गान हो सकदा है जो गुरु नानक पातशाह पहले लिख गए ने ते सत्संग जी गुरबाणी सानू उस सारियां दे विच वसदे उस रब दी जो प्रतीत है जो विश्वास है जरे जरे में जाके भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की ते गुरु पातशाह गुरबाणी दे अंदर हर थोड़े किसी बाणी नूं पढ़ के वेख लो उस विच इहो होएगा कि भी सब मैं जोत जोत है सोई तिस ते जाने सब मैं जान होए अवर लल्ला नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को बंदे ये अवस्थावां ने जो उन्हां अवस्थावां नूं आप माणे है फिर उस नूं प्राप्त कीता माणे है ते फिर सारे जगत वास्ते ये लिखित रूप दे विच ओह लिख गए ने गुरु नानक पातशाह ने उस नूं संग्रहित कीता है ते पंचम पातशाह ने उसकी संपादना करके कलयुगी पसारे वास्ते ये महान ग्रंथ की रचना कर दिती है वाहेगुरु रहमत करे बख्शिश करे कोई कड़ी प्यार दी एक रूपता दी समरूपता दी साडिया भी हिरदे विच बैठ जावे जिस सत की ये लोग सुखी है पर लोग सुखी दे नानक हर प्रभु आप मेरे दी अवस्था बन सके पुल्ला चुका निकी मां बख्शियो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी